So hello. Uh, in this video, we will be watching the solutions of general knowledge for ZAT, which happened on 2nd of January 2022. Okay. So the first question is who is the field marshal of <coughs> first field marshal of independent India? And the answer is Sham Manikshaw. Uh is answer answer uh C Maratha. Okay. So the second one is. सेकेंड वन इज द कलेक्टिव नाउस फॉर एनिमल्स सो इसका होगा ए जिसमें क्या आता है कॉन्वकेशन ऑफ ईगल्स उसके बाद आता है श्रूडनेस ऑफ एप्स जिराफ्स टावर ऑफ जिराफ्स उसके बाद होगा कैलियडोस्कोप ऑफ बटरफ्लाइज एंड क्विवर ऑफ कोबराज सो आई मार्क द सेम आंसर सो दीज आर द फर्स्ट टू द थर्ड वन इज सो दजुराहो इज़ इन मध्य प्रदेश ओके उसके बाद है ककाया टेम्पल इज़ इन तेलंगाना ढोलावीर इज़ इन गुजरात हम्प इज़ इन कर्नाटका एंड कंचनजंगा एज द नेम सजेस्ट शुड बी इन सिक्किम ओके सो आई मार्क द सीम आंसर नासा नासा का सन्स अपर एटमॉस्फेयर जिसे कोरोना बोलते हैं uh, वो कौन सा होगा सो so, इसका आंसर है पार्कर सोलर प्रोब ओके सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ब्लॉक चेन एन का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन ओके उसके बाद आता है आ, उसके बाद आता है बुक्स एंड ऑथर्स सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया था और मार्क कर दिया था ये एक्चुअली ये मैंने इसका एक्चुअली पूरा आंसर भी मैच नहीं किया है जो आ, बुक नंबर पी है फ्रैक्चर्ड हिमालय इसके ऑथर है निरुपमा मेनन रॉय और ऑप्शंस में पी का फोर बस एक ऑप्शंस में आता है सो देअर फॉर इट शुड भी सी सो मैंने भी सी मारा था सो ये राइट हो गया सो मैत्री एन भारती दीज आर द रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्टिका सो इसका आंसर बी होगा विच इज़ अगेन राइट थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा था आर्कटिक में बट आई वेंट फॉर अंटार्क्टिका एंड इट केम आउट टू बी राइट उसके बाद है नंबर एट विच इज़ द लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इन्हीं इंडियन स्टेट और यूनियन टेरेटरीज सो एक्चुअली इसमें मुझे ज्योति बसु और पवन कुमार चामलिंग में कन्फ्यूज़न था बिकॉज ज्योति बसु बहुत दिनों तक रहे थे बट मैं जब घर में आकर के देखा तो आंसर पवन कुमार चामलिंग होगा बिकॉज वो ट्वेंटी फोर ईयर्स से ज़्यादा रह चुके हैं और ज्योति बसु ट्वेंटी थ्री ईयर्स यहाँ पर नवीन पटनायक ट्वेंटी वन ईयर्स रहे हैं गेगोंग अपांग और वीरभद्र सिंह भी बहुत दिनों तक पॉसिबली गेगोंगा पांग भी ट्वेंटी टू ईयर्स रहे सो इट वॉज़ वेरी क्लोज ऑप्शन और पवन कुमार चामलिंग एक्चुअली चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम थे राइट right. उसके बाद ये वाले ऑप्शन है कि जो कौन से एनिमल स्पेसीज है जो श्रीलंका इंडियन सुमत्रा और बोरियन बोर्नियन स्पीसीज उनके सब स्पीसीज हैं तो यहाँ पे एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था राइनासोरस और टाइगर में बट मुझे एक्चुअली पता था कि श्रीलंका में राइनो नहीं मिलते हैं बट सुमात्रा और बोर्निया में मिलते हैं सो so, uh, मैं सोच रहा था टाइगर मारूं या राइनो बट घर आकर के मैंने देखा तो इट एज एशियन एलिफेंट ओके सो ये गलत हो गया नंबर टेन का मुझे आइडिया नहीं था हंड्रेड परसेंट स्टेक कौन सा होगा सो so, मैं रिलायंस मार दिया बट द आंसर इज टाटा ग्रुप ओके सो नंबर अलेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्वेंटी एटीन कॉमनवेल्थ गेम्स ठीक है कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एज सक्सेसफुली कंटेस्टेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शंस असेंबली इलेक्शन इसका सहजी सिंह आंसर है दिस केम आउट टू बी करेक्ट न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम मिसाइल ये कहाँ से फायर हुई तो so, इसका आंसर है ए पी जे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा मैंने सतीश धवन मारा था सो अकॉर्डिंग टू द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री वॉट इज अकॉन सो इट इज़ अ एनी स्टार्टअप दैट रीचेज वैल्यूएशन ऑफ वन बिलियन डॉलर ओके नंबर थर्टीन नंबर फोर्टीन सो आईडेंटिफाई एक्सेलर एलिमिनस हुज़ रीसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सो इसका आंसर है विक्रम मिस्री आ, ये बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है और मैंने इसे पक्का लगाया था एस सत्य कुमार जो कि गलत हो गया ओके <laughs> सो okay. so, ये क्वेश्चन है आ, डिस्ट्रिक्स और स्टेट्स को मैच करने थे तो मैंने रोहतास देखा एंड मुझे ये पता था कि ये बिहार में है और व्हेन आई सॉ द ऑप्शंस सो क्यू और वन में एक ही था तो मैंने ये मार दिया और ये राइट है ओके okay. अच्छा ये मूवीज़ और डायरेक्टर्स मैच करने थे तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि दो साउथ इंडियन डायरेक्टर्स थे तीन नॉर्थ इंडियन डायरेक्टर्स थे तो इसमें मैंने एक तुक्का साई मारा था तो मैं समझ गया था कि या तो आ, या तो क्यू का फोर होगा या वन होगा तो मैंने ये डी वाले में मारा था इसका बी आंसर होगा सो ये गलत हो गया मोनोसोडियम ग्लूटामेट सो ये मोस्ट प्रोबली द आंसर इज गोइंग टू बी डी द नेम ऑफ द कंपनी दैट मेक्स अजीनो मोटो ऑप्शन ए तो डेफिनेटली रॉन्ग है सो दिस शुड भी नाइन्टी नाइन परसेंट द आंसर शुड भी दिस डी ओके उसके बाद है नंबर एटीन इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना था सो so, इसका आंसर ई e है रजिया सुल्तान के बाद आएंगी रुद्रमा देवी दुर्गावती अहिल्या भाई होलकर और लक्ष्मी बाई ठीक है तो ग्रे मार्केट क्या होता है नंबर 19 क्वेश्चन से सो ये बेसिकली ट्रेड कमोडिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विच इज़ नॉट ऑथोराइज बाई मैन्युफैक्चरर ये होना चाहिए आंसर बट uh, मैंने ट्रेड इवेडेड वाला मार दिया था ओके सो नंबर ट्वेंटी जेनोसिस जेनोसिस का मतलब होता है वो डिजीजेस दैट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स सो आंसर होगा इसका सी ओके okay. uh, सो so, कौन से स्टेट में आईटी uh, नहीं है इसका आंसर है हरियाणा मैंने कर्नाटक मारा था उसके बाद ये बुक्स और ऑथर्स मैच करने हैं तो कर, कतिका का होगा शुद्र का उसके बाद मुद्राक्षसा का होगा विशाखा दत्त अभ्य ज्ञानम शकुंतलम का होगा कालिदास रसमंजरी और हर्ष चरित्र तो अकॉर्डिंगली मैच हो जाएगा इसका आंसर होगा सी राइट अच्छा बैलेंडोर किसे नहीं मिला है सो so ये मैंने एकदम तक्का लगाया था कि शिवचिंग को होंगे ओके okay. पर ये आंसर है पाओलो मालदीनी ओजीरिक्स क्या होता है इट इज़ अ एस्टोरॉइड स्टडी मिशन ऑफ नासा बी और ट्वेंटी फाइव वट इज़ लार्ज हेड कोलाइडर इसका आंसर होगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर सो दैट इज इट और इसमें मेरे सोलर आइट हैं आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव कि सिक्सटी फोर परसेंटेज सो लेट्स सी हाउ मच इट कन्वर्ट्स इनटू परसेंटाइल So that is it. Uh, thank you so much. Bye bye.